हम लोग आ चुके हैं। हाँ तू ही बोल ले भाई, हम बोल ले कहाँ है, कानपुर वाया किनारा सैंड रनिंग करने। तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू आवर न्यू वीडियो। तो आज यार समय हो रहा है 3:06, तो यार वीडियो नहीं आ पा रही है क्योंकि थोड़ा बिजी हो गए लाइफ में। हम सब की एक दूसरी लाइफ होती है जिसमें हम कुछ काम करते हैं, अपना एम वगैरह होता है। तो वैसे अपनी भी एक लाइफ यार, मैं आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ खुद को, दो बार फिजिकल दे चुका हूँ, ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है। दैट्स व्हाई मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ। तो यार मेरा एक दोस्त है संदीप, उसने बोला कि भैया डेली व्लॉगिंग होती है, आप वो क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो मैंने सोचा यार ट्राई करना चाहिए। तो हमारा यार वीकली प्लान में एक डे होता है सैटरडे का, जिसमें हम सैंड रनिंग, वाटर ड्रिल, एक्सरसाइज सब वगैरह कराते हैं हमारे। तो आज जिसके लिए हम लोग लखनऊ से कानपुर जाते हैं, तो आज हम लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं। तो उस बीच होने वाली जितनी भी अच्छी अच्छी एक्टिविटी या कुछ दिखेगा बढ़िया, तो वो सब कैप्चर करेंगे और दिखाएंगे यार क्या क्या होता है। और इतना टाइम तो हो गया हमारे पास कि आसपास की लोकल मार्केट विजिट कर सकें और आपको दिखाएं। तो चलते हैं यार, नए लोगों से आपको मिलाते हैं और कुछ अच्छा करते हैं। इंजॉय करते हैं यार। हमें मिल गई है अपनी ट्रेन रेलगाड़ी और इस ट्रेन का नाम है कासगंज फरुखाबाद पैसेंजर। तो मेरे साथ है भाई मेरा दोस्त भानु यादव, जो साथ में रनिंग करने वाला है आज। और भाई बहुत मजा किया है मेरा दोस्त, इससे मिलाऊंगा मैं आपको। देखो यार ट्रेन चल रही है बड़े धीमे धीमे, तो काफ़ी स्टेशन पड़ने वाले हैं, बीच बीच में रुक रुक के चलेगी। और तो फाइनली हम लोग आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और पहले इसका नाम शुक्लागंज हुआ करता था और शायद अब ये हो गया है। तो चलते हैं भाई घाट की ओर, और ये हमारी ट्रेन, ये हमारा पार्टनर भानु यादव। भानु यादव है करो वीडियो में करो। तो चलते हैं भाई अपनी सैंड रनिंग करने के लिए। हम लोग आ चुके हैं, हाँ तू ही बोल ले भाई, हम बोल ले कहाँ है, कानपुर वाया किनारा सैंड रनिंग करने। नहीं भाई यहाँ से कानपुर थोड़ा दूर है, अभी हम लोग आ गए हैं सिटी में, इधर कानपुर बाया किनारा, इसी के नीचे हम लोग सैंड रनिंग करेंगे। और ये बीच का चौराहा है, यहाँ आपको व्यू दिखाते हैं। और अब हम लोग चाय पियेंगे यहाँ पे, चाय ले लो दोस्त। तो ये आ गया है हमारा गंगा का किनारा, जहाँ दूर दूर तक पानी और दूर दूर तक रेत है। एक खिलाड़ी को और क्या चाहिए। तो करते हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट, सामान वामान रख के हम लोग उधर साइड पे जाएंगे, वहाँ काफ़ी मात्रा में सैंड है और लोग भी कम है, इधर लोग आते रहते हैं। चलते हैं बॉस फिर आगे की ओर। और हम लोग अपना सामान रखने के लिए अपना कैंप लगा रहे हैं, क्योंकि यार नदी के किनारे बहुत चोरी वोरी होती है। तो हमने सोचा यार क्यों ना अपना कैंप ले जाएं और वहाँ पे अपना सामान रखें। तो यार मैंने ना बीच में सारे स्टेशनों की मतलब वीडियो बनाई है और नाम लिखे हैं। तो हमारा वर्कआउट होने जा रहा है स्टार्ट इस बहुत बड़ी रेत के मैदान में। तो भाई देखते हैं, मुझसे एक घंटे का सोचा दौड़ने का, देखते हैं कितनी देर दौड़ पाते हैं। तो करें स्टार्ट, लीली दौड़ हो गई क्या। Oh.
और ये छोटे बच्चे ने ज्वाइन कर लिया हमारा ग्रुप, हमारी एकेडमी। बहुत अच्छा दौड़ती हुई है। क्या नाम है, क्या नाम है बेटा? हाँ इनका नाम है कुछ नहीं, शायद ये नर्वस हो गई है नाम बताने। तो हम अब अपने भानु सर के साथ जा रहे हैं वाटर हाइनी करने पानी के अंदर। इन्होंने कौन सी मूवी देख ली तुमने? एर्तरुल गाजी। इन्होंने जब से देखा है इन्हें बिस्मिल्लाह ज़्यादा चढ़ने लगा है। यहीं पे आके लग रहा है कि काफ़ी गहराई में आ गए हैं। ये देखिए इधर गहरा है क्या? हाँ इधर गहरा है, संभल के जाना दोस्त। हम लोग पार करने की कोशिश कर रहे हैं, गहरा होता जा रहा है आगे, फिर से ऊँचा हो गया। डेविड सर ये इस पानी में वाटर हाइनिंग करने जा रहे हैं गोसी के। ये वाटर हाइनिंग करते हुए डेविड सर जी, और ये तैराक है काफ़ी अच्छे, ये बहुत अच्छा तैर लेते हैं। तो वह टाइम आ गया है अपने गार्ड को बाय बाय बोलने का, और हमारा ये टेंट है ना ये उड़ रहा था। ये तीनों भाइयों ने बहुत हेल्प कराई हमारी। भाई अपना नाम बता दो यार। शिवम। वैसे मैंने कोई हेल्प नहीं करी। हर्ष नाम है मेरा। हाय आई एम गौरव। तो भाई ये लोग मेरठ से आए एग्ज़ाम देने, और हमारा कैंप जहाँ तक उड़ ही गया था, तो भाई लोगों ने बहुत हेल्प कराई इसके लिए यार, बहुत बहुत थैंक यू। और तो आगे की ओर निकलते हैं, यहाँ से कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। और ये बाबा जी नहा रहे हैं नहीं, देख लीजिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। बाबा जी एक बार खड़े हो जाओ। बाबा जी खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ। तो यहाँ से हमारी ट्रेन है नहीं यार, तो हमें जाना पड़ेगा कानपुर सेंट्रल, वहाँ से ट्रेन मिलेगी। तो वहाँ से घर की ओर निकलते हैं यार, और अब आगे चल के कानपुर सेंट्रल में मिलते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं आउटर की ओर, यहाँ से कानपुर सेंट्रल काफ़ी दूर है। तो एक भाई ने बोला है कि आउटर थोड़ी दूरी पर वहाँ जाके, तो हम लोग को यार ट्रेन मिल सकती है, वहाँ पर ट्रेन खड़ी रहती है। तो अब आउटर की ओर बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ से यार व्यू दिखेगा जो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाते हैं यार, पूरा जो भी यहाँ का तट है गंगा जी का, पूरी गंगा जी की ना यहाँ से सीन दिखेगा। मैं आप लोग यार इधर से ना अभी सीन दिखाऊँगा बेहतरीन एकदम। तो भाई ये कुछ ऐसा दिखता है पूरा गंगा जी का सीन, और ये रेलवे क्रॉसिंग है। तो हवा यार बहुत तेज़ चल रही है आज, बहुत ही ज़्यादा। हमारा कैंप उड़ते उड़ते बचा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा हो एक्स्ट्रा, उसे इग्नोर करेंगे यार। ये देखिए यार क्या व्यू दिख रहा है। तेरे को वो नाव दिख रही नीचे, नीचे प्यार से देखो, प्यार से देखो ना, आराम से नीचे देखो, दिख रहा है कुछ? और प्यार से देखो। फटी पड़ी भोसड़ी खिलो उधर। क्या तेरी गांड फटी पड़ी है? इतने में ही गांड फट गई तुम्हारी यार, यहाँ से तो जंप करवाएंगे तुम्हें। हमारे कुछ रेलवे के वर्कर्स रास्ते में हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत कम है पानी, आधे का आधा है, पूरी पूरी गंगा जी ऐसे लौंडे पार कर ले रहे हैं। अभी आरो फिल्टर लग गए हैं, फाइनली हम एंटर करने वाले हैं अब कानपुर सिटी में। और हम लोग कानपुर विलेज से पैदल चलते हुए आ रहे हैं वो पीछे से, और अब कानपुर सिटी की ओर जाते हुए। भाई ट्रेन नहीं मिली यार, यहाँ से कोई ट्रेन नहीं, शाम को 6:50 पे ही ट्रेन है। तो मैंने सोचा यार क्यों ही रिस्क लेना, निकल चलते हैं थोड़ा वॉक करेंगे। तो यार डेली व्लॉगिंग करने में मज़ा तो आती है बॉस, ये तो है। क्योंकि अगर आप ट्रैवल व्लॉगिंग ही करेंगे तो यार रोज़ रोज़ तो नहीं घूम सकते ना, क्योंकि हम सभी कुछ कोई ना कोई स्टूडेंट है या कोई जॉब करता है। तो ये भी ठीक है यार, डेली व्लॉगिंग का एक्सपीरियंस अच्छा था, थैंक यू संदीप भाई। तो अब देखते हैं ट्रेन कैसे मिलेगी यार हमें, यही हमारी परीक्षा होगी अब। बानवे मज़ा आ रही है, थोड़ा तेज बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा भाई। बहुत मजा आ रही है, बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रही है, बहुत आला। तो पहुंच गए हैं कानपुर सेंट्रल, और भाई यहाँ से अब घर का सफर होता है स्टार्ट। तो आज की सैंड रनिंग में यार बहुत मजा आई, और काफी पैदल भी चल लिया हम लोग।
तो अब यार देखते हैं कौन सी ट्रेन हमें मिलती है और यहाँ से अब घर तक का सफ़र होगा। मेरे ख्याल से ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो चलते निकलते हैं यार और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बीच बीच के अच्छे अच्छे मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी खींचे, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो चैनल को यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भाई को आगे बढ़ाओ और मैं और भी वीडियोस ऐसे ही बनाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।